माझ्याकडे आलेले कार्यकर्ते पाच कोण आहेत तिकडे समोरून देते तिकडे काय काय ठरलं होतं आपलं की असं उदटपणा झालं तुझा कुठे उदटपणा जाय भडका भडका विचार बोलण्याची पद्धत आहे काही मार घालण्याची पद्धत आहे काही माझ्या एरियातले नाही तुम्ही उन्हा करून माझ्याशी वाद करणार साहेब आम्ही ऑलरेडी मुद्दा काय आम्ही शांतपणे आंदोलन करतोय ना आम्ही एकमेकांवर जोतो आमचा फोन बंद असतो कुणाला काही हात लागत नाही काहीच नाही तुम्ही हे बॅरिकेड तुम्हाला माहिती तर लावून ठेवायचे ते लावले आम्ही कसं आजार आमच्या तुम्ही चुकीची पत्र पाडणार सरकारने कारवाई करणे गरजेचं असताना आज आपल्याला रस्त्यावर उतरायला काय सांगतो अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे की सरकार ज्याच्यामधले काही मंडळी मंत्रिमंडळी सुद्धा या देशाचं संविधान बदलण्यासाठी आम्ही निवडून आलो अशा पद्धतीचं भाष्य करतात आणि त्याचबरोबर दिल्लीमध्ये काही मंडळी जंतर मंतर येते ह्या देशाची संविधान जाळतात आणि तरी ॲक्शन होत नाही सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे या इथे जे हे हिंदुत्ववादी सरकार या देशामध्ये आलेलं आहे ज्यांना त्या देशाचं संविधान मान्य नाही या सरकारला आम्ही इथे दाखवू इच्छितो की या देशातली जनता सर्व जाती धर्माचे लोक बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या संविधानावर प्रेम करतात आणि आज या संविधानामुळे 70 वर्ष झाली हा देश अखंड अत्यंत महासत्ता होण्याच्या दिशेने प्रगती करत आहे आणि जर या देशाच्या संविधानाला कोणी नकल लावण्याचा प्रयत्न केला तर या देशातली जनता खपून घेणार नाही हे सांगण्यासाठी आम्ही आज इथे रस्त्यावरती निदर्शन करत आहोत आणि ही मंडळी आज नुसतंच संविधान जात नाही तर आपण पाहिलं की यांच्याबरोबर असणारी काही मंडळी आज या महाराष्ट्रामध्ये पकडल्या गेलेली आहेत ज्यांनी बेकायदेशीर शस्त्रांचे कारखाने निर्माण केलेले आहेत आणि आपण पाहतो की या महाराष्ट्रामध्ये असतील कर्नाटकामध्ये असतील जे पुरोगामी विचाराची मंडळी होती कलबुर्गी असतील किंवा गौरी लंकेश असतील पानसरे दाभोळकर अशांना इथे गोळ्या घातल्या जातात तरी त्यांच्यावरच्या केसेसमध्ये अजूनही महाराष्ट्रामधले पोलीस डिपार्टमेंट अजूनही त्याच्याबद्दल योग्य पद्धतीची माहिती मिळवत नाही किंवा त्या गुन्ह्यांना अटक केली जात नाही यासाठी म्हणून आम्ही हे आज रस्त्यावरती उतरलेलो आहे की आता सरकारने ताबडतोबीने यांच्यावरती ॲक्शन घ्यावी आणि त्यासाठी आम्ही आज इथे छोट्या प्रमाणात निदर्शन करत आहोत बांद्र्याच्या कलेक्टर ऑफिसला आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही आमचं निवेदन देणार आहोत आणि जर त्याच्यावरती ॲक्शन झाली नाही तर या मुंबईमध्ये मोठा असा मोर्चा काढल्याशिवाय राहणार नाही हे आपण या चॅनलमधून आपण जाहीर करतो धन्यवाद रिपब्लिकन सेनेचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संविधान चालणारा हराम कुरानवरती
नाटक झळक पाहिजे। आंबेडकर साहब तुम आगे बढ़ो, साहब तुम आगे बढ़ो। देखिए मोर्चा इसके लिए निकाला है कि चार दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ दिल्ली हमारी राजधानी है, वहाँ इस देश का संविधान जलाया जाता है और उस उन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। पूरा देश में वो वायरल किया जाता है और संविधान की खिल्ली उड़ाई जा रही है। और इस देश में जो लोग सत्ता पे आए हैं वो इस देश की संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, और इसीलिए हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दी हुई संविधान के हम प्यार करने वाले हैं, और उस संविधान को कोई हाथ लगाएगा तो हम उनको हाथ छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके का एक मैसेज देने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, और ऊपर से ये खाली संविधान नहीं बदलना चाहते, तो ये देश की पूरी ढांचा बदलना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और इनकी तरफ से हमने देखा है कि महाराष्ट्र के मुंबई के नज़दीक नाला सुपारा में एक अवैध शस्त्रास्त्र बनाने की फैक्ट्री अभी ATS ने अभी मालूमात की है। तो ये सब जो चल रहा है, जो षड्यंत्र इस देश में चल रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और लोगों में जागृति लाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में जो जनता है उनको बताना चाहते हैं कि इस देश में जो हिंदू राष्ट्र के कोशिश करने वाले लोग अब किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कि पुरोगामी लोगों के खून कर सकते हैं और इस देश में बॉम्ब स्फोट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरीके से वो हथियार जब्त हुए तो इन लोगों के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने संविधान चलाया उनके ऊपर देशद्रोह से 124A कलम के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब वो वायरल फिल्म है जिसमें ये दिखा है कि बाबा साहब का भी उन्होंने गलत शब्द में उन्होंने बाबा साहब के बारे में कहे, तो उनके ऊपर एट्रॉसिटी एक्ट के खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। हम अभी यहाँ से जिलाधिकारी साहब के पास आएंगे, उनको निवेदन देंगे, और हम आपके चैनल की तरफ से बताना चाहते हैं कि अगर सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में पूरा धरना और मोर्चा का आंदोलन और निदर्शन का कार्यक्रम करने वाले हैं। वैसे हमारे दिल्ली ब्रांच ने कल शाम को ही उनके खिलाफ FIR दर्ज किया है, फिर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुए। इसके वजह से हम बहुत इस सरकार की जो उदासीनता है और इनके ये जो संविधान को बदलने का कोशिश करने वाले को सपोर्ट देने की बात हो रही है, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। रामदास आठवले ये जनता के प्रतिनिधि नहीं है, सरकार के प्रतिनिधि है। पोते ने बोले तो हमारा बोलना हक नहीं होता, फिर भी उनके बात को मान रखते मैं कहना चाहता हूँ, रिपब्लिकन सेना एकदम से आंदोलन करने वाली थी, लेकिन हमारे साहब बाबा साहब अम्बेडकर के नातू होने के वजह से हमको नई मुंबई में जो गड़बड़ी चल रही थी उसके लिए साहब ने आदेश दिया, नई मुंबई के अंदर कोई मोर्चा आंदोलन नहीं होगा, सिर्फ पुलिस स्टेशन के अंदर जाके तुम निषेध का निवेदन दे दो। और यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय बांद्रा में निदर्शन का प्रोग्राम है, वहाँ भी आप अकेले आना, साथ में किसी को नहीं लाना, ऐसा आदेश देने की वजह से मैं नए मुंबई सिर्फ दो लोग साथ में लेकर आया हूँ। मुझे इस विषय में ये कहना चाहिए, जैसे आज हमारा यहाँ पे निदर्शन का प्रोग्राम है, जैसे यहाँ पर पुलिस जम के खड़ी हुई है, उसी तरीके से जंतर मंतर पे जब परमिशन दिया गया था उसी वक्त प्रशासन वहाँ पे हाजिर था और प्रशासन के सैनिक वहाँ पर हाजिर थी। वो सैनिक जो है, वो सोल्जर जो है, पुलिस जो है, बाकी क्या सो गई हुई थी क्या? जबकि संविधान के जरिए तुम पुलिस ऑफिसर बन गए, संविधान की वजह से आप लोग सब कुछ ऑफिसर बन गए, और संविधान के रखवाले होने के बावजूद भी संविधान की जो रक्त निकाली गई और
उसको फाड़ा गया और लाइटर से जलाया गया। जब हम खाली यहाँ पे निदर्शन और आंदोलन करते हैं, किसी का पुतला हम बना के लेके चौरास्ते पे आते हैं, तो पुलिस दो डंडे मार के हमारे हाथ से पुतले को छीनती है और अपने काबे में लेके हमको अरेस्ट करती है। तो इतना तमाशा होने के बाद दिल्ली की पुलिस क्या सो गई थी क्या? इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार उन लोगों के साथ भी, इसके लिए हम सरकार का निषेध करते हैं और वहाँ के प्रशासन का निषेध करते हैं। और सर सेनानी आनंद राज के जो आदेश देंगे वो आदेश को मान के पूरे भारत के अंदर हम लोग जो तो ये सरकार को नीचे गिराने का काम करें। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर संविधान गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। भैया जी क्या कहेंगे, आज बड़े पैमाने पे धरना दिया गया है दिल्ली में, जो घटना हुई इस बारे में क्या निंदा करेंगे? सबसे पहले तो हम सब रिपब्लिकन सेना के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी जो दिल्ली में घटना हुई है उसका निषेध करते हैं, और जिस तरह से लोकतंत्र के ढांचे के ऊपर और छाती पे बैठ के जिस तरह से प्रशासन के संविधान को जलाया गया, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वजह से हम लोग सब एक होकर, क्योंकि ये संविधान किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है, और ना किसी जाति का है। ये संविधान 125 करोड़ भारत के वासियों का है, और इस तरह से जो ये हरकत की गई और उसके अंदर जो सर्जेशन रचा गया, ये हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्जेशन पूरा का पूरा आरएसएस की आइडियोलॉजी के ऊपर टिका हुआ है। और राष्ट्रीय सेवक संघ बहुत कोशिश कर रही है दलित और मुसलमान के बीच में किसी भी हाल में और किसी भी कीमत पर जो भी हमें भुगतान भरना पड़ेगा हम दंगा करवाएंगे। लेकिन सैल्यूट है करोड़ों करोड़ों भारत के संविधान को मानने वाले लोगों को, जिन्होंने बड़े अदब और एहतराम और तहजीब के साथ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और कंप्लेन करते जा रहे हैं हर पुलिस स्टेशन के अंदर, और यहाँ तक के FIR भी हुआ। लेकिन धिक्कार है वहाँ के प्रशासन को दिल्ली के, जिनकी आंखों के सामने इतना बड़ा सर्जेशन रचा गया और संविधान को जलाया गया और बाबा साहेब अम्बेडकर साहब को अब शब्द से कहा गया। ये संविधान के साथ ही नहीं बल्कि वो राष्ट्रपिता, प्रधानमंत्री, IAS या जितने भी जिम्मेदार जो भारत के अंदर जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कभी भी कसम ना अल्लाह की लेते हैं, ना ईश्वर की लेते हैं, ना भगवान गौतम बुद्ध की लेते हैं, ना वाहेगुरु की लेते हैं, ना फादर की लेते हैं किसी चर्च में जाके। अगर वो शपथ लेते हैं, वो शपथ सिर्फ एक ही शख्स की लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की, जो भारत का संविधान है। मुझे बड़ा शर्म आ रही है, ये प्रोग्राम जब ये हुआ उधर दिल्ली के अंदर 9 अगस्त को, ये सोचने के बाद हम लोग सब बड़े सहमे हुए थे कि इसका निषेध किया जाए, और निषेध कुछ छोटी मोटे पैमाने पे नहीं, काफ़ी बड़े पैमाने पे किया जाए, जिसका हम लोगों ने ये अभी अरे चार ठिकाणी दिल्ली मध्ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांनी या देशाला अत्यंत चांगलं असं संविधान दिलेलं, जे काही हरामखोर चालत होते तेव्हाही पोलीस बघायची भूमिका घेत होते, आणि आता त्याच हरामखोर लोकांवरती गुन्हे दाखल करतो आम्ही, ही मागणी करतोय। आम्हाला पोलीस सांगतात की तुमच्यावरती गुन्हे दाखल करू, अरे तुम्हाला जे करायचं ते करा, आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर परिवाराचे कार्यकर्ते, आम्ही कुळाच्या बापाला घाबरत नाही, नियुक्त मागणं हे घटनेने दिलेला आम्हाला अधिकार आहे। या ठिकाणी गर्दीतून गाडी जाऊ नये, जर गाडी गेली आणि एखाद्या कार्यकर्त्याला लागली तर त्याला जबाबदार कोण? ही चांगली भूमिका आम्ही ठेवली, तर इथले सिनियर आम्हाला म्हणतात तुमच्यावर पण गुन्हा दाखल करावा लागेल। घेऊन आम्ही विधानसभांकडे जाऊन बसणार आहोत। या ठिकाणी आम्ही शांतपणे आंदोलन करत असताना आम्हाला अशा पद्धतीने कोण दाबण्याचा प्रयत्न करणार असेल तर आम्ही काही संभाजी भिडेच्या आंबे खाऊन आले पैदाईश नाही आहोत, आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रक्ताची पैदाईश आहोत, हे या ठिकाणी लक्षात असलं पाहिजे।
या ठिकाणी दिल्ली मध्ये काही मंडळीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल अत्यंत घाणेरडा उद्गार काढला. त्यांनी संविधानाच्या प्रती झालेल्या पोलीस बघ्याची भूमिका घेत होते. यांच्यावरती देशद्रोहाचा गुन्हा काय त्यांना अटक नाही केली. यांना त्यांच्या मागचा करता करविता धनी कोण आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. माझ्या भाजपाला विनंती आहे थोडं मागे सरकार बॅनरच्या मागे जायचं. विनंती करतो मागे सरकार प्रकाश बनकर साहेब पुढे आणि आपण या साईडला जवान सिंधू मिळता.